तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ वीवो प्रो कबड्डी लीग का आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई 117वां मैच, जो कि खेला जाएगा दबंग दिल्ली वर्सेज यूपी योद्धा के बीच में। तो भाई दोनों टीम्स की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, एक एक प्लेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। लास्ट मैच में प्रदीप नरवाल ने क्या गजब की परफॉर्मेंस दी थी वो भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ नवीन कुमार का क्या स्टेटस रहेगा सारी चीज़ आपको बताने वाला हूं। कौन सा रेडर यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा डिफेंडर सबसे ज्यादा टैकल करने की कोशिश कर सकता है, सारी चीजें यहां पर एक एक चीज क्लियर होंगी। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, स्मॉल लीग की टीम आपको मैं दे ही दूंगा, अभी भी आपको दे दूंगा, अगर इसमें कुछ चेंजेस हो गए तो उसके अपडेट टेलीग्राम पर दे दूंगा। लेकिन जो ग्रैंड लीग की चार टीम है ना, वो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। अब देखो भाई यही बात, मतलब अब मैं आपको स्मॉल लीग की टीम दूंगा उसमें तो मान लो आप एक या दो चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मान लो मैंने चार जीएल की टीम अभी दे दी तो फिर भाई मान लो अगर लाइनअप स्टार्टिंग सेवन में कुछ ज्यादा चेंजमेंट होगा तो फिर भाई आप कैसे मैनेज करोगे। तो इसीलिए भाई मतलब ग्रैंड लीग की टीम आपको सिर्फ और सिर्फ आपके भाई के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखो स्मॉल लीग की टीम सारी दुनिया प्रोवाइड करवा देती है, लेकिन जीएल की टीम आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता, ठीक है? तो इस चीज का आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। और जीएल की टीम भाई मैं देखो अगर बात मैं यार बार बार दिखाता नहीं और दो शो ऑफ में करता नहीं हूं, तो वैसे अगर आपको देखना है तो भाई इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड किया आज के दिन के पहले मैच की, उसमें जाके देख लेना, मैंने जीएल के विनिंग के स्क्रीनशॉट वहां पर दिखा रखे, ठीक है? और जिस दिन हमारी जीएल विन होती है ना, उस दिन भाई सभी प्लेटफॉर्म पर हमारा ही राज होता है, मतलब चाहे ड्रीम इलेवन हो, विजन इलेवन हो, माई फैब इलेवन हो, स्पोर्ट एसी हो, हर जगह भाई हमारा ही हमारा राज होता है, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि देखो अगर आपने भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत पीछे हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? अब चलिए भाई बात कर रहे थे दोनों टीम्स के यहाँ पर पॉइंट टेबल में क्या, मतलब कौन सी टीम कहाँ पर अभी स्टे कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे दबंग दिल्ली की। दबंग दिल्ली भाई दो मैच अपने मतलब 19 मैच खेल चुके हैं और दूसरी पोजीशन पर है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी पोजीशन पर बनी हुई है, सिर्फ पटना पायरेट्स उनसे आ गया। और अगर नीचे देखो तो भाई हरियाणा स्टीलर्स भी काफ़ी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बट फिर भी भाई आप ये बोल सकते हो कि हाँ मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन भाई मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर सेकेंड पोजिशन मेरे हिसाब से दिल्ली की रहने वाली है, क्योंकि आज के मैच की अगर बात करें तो यूपी के अगेंस्ट में दिल्ली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। कौन मतलब किस प्लेयर की वजह से स्ट्रॉन्ग नजर आएगी और क्यों नजर आएगी, एक एक चीज के बारे में एक डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। अब देखिए भाई यहां पर अगर दिल्ली की बात करें तो नंबर दो पर है, वही अगर बात करें यूपी योद्धा की तो यूपी योद्धा के लिए ये मैच डू एंड डाई होने वाला है। वो क्यों होने वाला है, देखो भाई यहां पर यूपी योद्धा 58 पॉइंट ले चुके हैं, ठीक है? और मतलब टॉप सिक्स में बनी हुई है, ठीक है? लेकिन लेकिन भाई पांचवें नंबर पर है, ठीक है? यहाँ पर अगर बात करें नंबर सातवें पोजीशन पर तो यहाँ पर भाई यू मुंबई जो यूपी योद्धा से एक मैच कम भी खेल के आई है, और इसके अलावा भाई पॉइंट्स में भी सिर्फ पाँच का ही डिफरेंस है। अगर यहाँ पर मान लो खुदा ना खास्ता मतलब यू मुंबई अपना अगला मैच विन कर लेती है तो भाई आप यहाँ पर देखोगे कि दोनों टीम्स के ऑलमोस्ट सेम पॉइंट हो जाएंगे, या फिर यहाँ पर यू मुंबई आगे भी निकल सकती है। तो इस कंडीशन में भाई यहाँ पर आपको क्लियरली मतलब फेवरेट का फर्क दिख जाएगा कि कौन सी टीम यहाँ पर फेवरेट दिखेगी टॉप सिक्स में जाने के लिए। और भाई अब जो टीम जितने ज्यादा मैच जीतेगी ना, मतलब जो मेन तो भाई आप ये मान लो 4, 5 और 6 ये तीन स्लॉट है ना, यहाँ पर भाई कुछ भी चेंजमेंट हो सकते हैं। हालांकि टॉप थ्री वाले इतना हो सकता है कि टॉप थ्री से डाउन आ जाए, लेकिन भाई टॉप सिक्स में तो ये मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भाई बेंगलुरु बुल्स, यूपी योद्धा और गुजरात जायंट्स ये तीन भाई ऐसी टीम है जो भाई मतलब कहीं पर भी जा सकती है, अभी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है? तो इनका मतलब स्टेटस हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें तो बिल्कुल डूडाई की बात करें तो भाई यहां पर आपको पुनेरी पल्टन और यूपी सॉरी भाई पुनेरी पल्टन और यहां पर यू मुंबई दो भाई ऐसी टीम दिखेंगी जो भाई टॉप सिक्स में जगह बना सकती है, ठीक है? अब चलिए भाई यहां पर बात कर लेते हैं कि लास्ट मैच में तो कौन सी टीम की क्या परफॉर्मेंस यहां पर रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले दबंग दिल्ली की तो तमिल थलाईवास को एक पॉइंट से हरा के आ रहे हैं। यहां पर अगर बात करें तो नवीन ने अगेन भाई यहां पर आप यहाँ पर भाई आप देखोगे नवीन ने अगेन भाई 10 टच पॉइंट निकाले, 3 बोनस, टोटल 13 पॉइंट, अगेन सुपर 10 डन कर दिया। नीरज नरवाल की बात करें तो भाई 4 टच पॉइंट इन्होंने निकाले। जोगिंदर सिंह नरवाल भाई देखो नीरज के आपको मोस्टली पॉइंट टच पॉइंट ही दिखेंगे, क्यों भाई? क्योंकि ये डू एंड डाई में आता है, सब्सटीट्यूट के तौर पर खेलता है तो भाई टच ही इसे लेके आना होता है, ठीक है? इसके अलावा जोगिंदर नरवाल, जोगिंदर नरवाल ने भाई यहाँ पर 3 टैकल के, 2 टैकल मनजीत छिल्लर ने किए। इसके अलावा भाई यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मनजीत जो मतलब रेडिंग कर रहे हैं ये आप देख सकते हो, 2 टच पॉइंट इन्होंने निकाले। इसके अलावा जीवा कुमार ने भी यहां पर 2 टैकल किए हुए हैं। इसके अलावा नीचे अगर बात करें तो कृष्ण डुलो और संदीप नरवाल ने 1-1 टैकल यहां पर किया था। अब भाई बात कर लेते हैं यहां पर जो दूसरी टीम है,
यूपी योद्धा की, तो यूपी योद्धा का लास्ट मैच भाई यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात जायंट्स से ये अपना लास्ट मैच हार के आ रहे हैं। अब यहाँ पर भाई प्रदीप के पॉइंट्स आप देखो, 12 टच पॉइंट, कोई बोनस नहीं, कोई कुछ नहीं, टोटल मतलब टच पॉइंट, तो इससे भाई प्रदीप को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा। और भाई हो सकता है कि आज प्रदीप अगेन आपको चलते हुए दिख जाए। आशु सिंह की बात करें तो आशु सिंह को आपको पता है, देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 4 टैकल इन्होंने किया, 1 यहाँ पर इन्होंने बोनस लिया, टोटल 5 पॉइंट निकाले। सुरेंद्र गिल, अब सुरेंद्र गिल की बात करनी क्यों जरूरी, क्योंकि भाई या तो सुरेंद्र गिल सुपर डुपर हिट होता है या फिर सुपर डुपर फ्लोप होता है, या तो सुरेंद्र गिल मतलब काफी अच्छे पॉइंट निकाला या फिर 4, 5 या 7 पॉइंट में भी निपट सकता है, ठीक है। तो ये भाई दो मतलब हिट एंड मिस टाइप वाला हो गया, जैसे मैं क्रिकेट में आपको बोलता हूँ हिट एंड मिस टाइप बैट्समैन है, तो भाई वही हाल यहाँ पर सुरेंद्र गिल का, हिट एंड मिस टाइप रेट रहा। अगर हिट कर गया तो भाई आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप दे जाएगा, अगर मिस कर गया तो भाई आपको मतलब अल्ट्रा क्लीन लॉस दे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी सुरेंद्र गिल इस सीजन में काफी अच्छा कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रेट रहे, तो आपके लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होने ही होने वाला है। अब यहाँ पर अगर बात करें श्रीकांत जाधव की, तो उससे पहले सुमित की बात कर लेते हैं। सुमित ने भी भाई यहाँ पर 4 टैकल किए हुए, टोटल 4 पॉइंट निकाले। श्रीकांत जाधव ने भाई यहाँ पर 1 बोनस पॉइंट निकाला, 1 टच पॉइंट, टोटल 2 पॉइंट निकाले। नितेश कुमार भाई यहाँ पर काफी बुरी तरीके से फ्लोप रहे थे, सिर्फ 1 ही टैकल कर पाए थे, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर नितेश कुमार को आपको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है अभी तक भाई यूपी योद्धा के डिफेंस सेक्शन का, ठीक है। तो आपके लिए नितेश कुमार एक बहुत ही मतलब मस्ट पिक प्लेयर्स में से एक रहने वाले। तो अगर आप मतलब ये सोच रहे हो कि नितेश कुमार ने यार 1 ही टैकल किया तो भाई इसका क्या ही होगा, तो भाई ये आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फाइनल टीम है वो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब भाई यहाँ पर भाई बात कर लेते हैं जो हमारी डेमो टीम रहेगी उसकी, कि कैसे क्या हमारी डेमो टीम यहाँ पर रह सकती है। रेडिंग सेक्शन बात करें तो यहाँ से भाई आपके लिए नवीन कुमार इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रदीप नरवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे, और यहाँ से सुरेंद्र गिल के ऊपर अगर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, बिल्कुल हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है। या तो भाई आपको मतलब एक भी कॉन्टेस्ट विन नहीं करने देगा या सारे कॉन्टेस्ट आपके अल्ट्रा क्लीन स्वीप जाएंगे, तो ये भाई आपको खुद रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हो तो। बट भाई फिर भी चलो बिल्कुल सेफ जाने के लिए, क्योंकि मेरे को यार मेरे से ज़्यादा आप लोगों की फिक्र होती है, और मैं खुद अपनी टीम में रिस्क ले सकता हूँ बट आपको मैं रिस्क लेने के लिए नहीं बोल सकता, ठीक है। और यही रीज़न है कि भाई इन तीनों को मैं लेके जा रहा हूँ। वहीं अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऐसे भाई यहां पर संदीप नरवाल और मंजीत छिल्लर कहां पे गए भाई, मंजीत छिल्लर को रेडिंग डिफेंडिंग सेक्शन में डाल दिया भाई, बहुत अच्छा किया, ठीक है। यहाँ पर भाई संदीप नरवाल को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, यहाँ से भाई सुमित नितेश कुमार को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो मंजीत छिल्लर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पर भाई आप नितेश कुमार को देखो, अगर आपको लग रहा है कि भाई लास्ट मैच में फ्लोप गए तो भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो भाई आप इसको ड्रॉप करके, नितेश कुमार को ड्रॉप करके यहाँ से भाई आप जोगिंदर नरवाल या फिर आशु सिंह को भी अपनी टीम में ले सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए भाई मैं नितेश कुमार के साथ ही जा रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो आप अपने हिसाब से एक दो चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन यहाँ पर भाई आपको दिखेंगे नवीन कुमार, वीसी आपको दिखेंगे यहाँ पर प्रदीप नरवाल। बाकी अगर आप चाहो तो देखो एक बहुत ही बड़े डिफरेंशियल सीवीसी यहाँ पर आपके बीच में बैठे हुए हैं सुरेंद्र गिल। अब सुरेंद्र गिल भाई मैं कितनी बार बताऊँ आपके लिए बहुत ही खतरनाक प्लेयर साबित हो सकता है, या तो भाई देखो क्लियर आपका लॉस करवा जाएगा या फिर आपका क्लियर प्रॉफिट करवा जाएगा। तो आप एक काम करो, 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो सुरेंद्र गिल से, इसके अलावा भाई जो बाकी कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने हैं एड टू एड 3 मेंबर, ये फिर भाई आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो यहाँ पर सुरेंद्र गिल के बिना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बाकी भाई देखो मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज करना, अपने हिसाब से आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना, टीम में ऐसे सेव कर रहा हूँ। बाकी देखो जो फाइनल टीम है ग्रैंड लीग की वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, स्मॉल लीग की अभी एक डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको इसकी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी की अभी जाके भाई ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच हमारे लिए होने वाला है, ठीक है। रात को 8:30 पर मैच खेला जाएगा, उससे पहले भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।